पिछले वीडियो में अपने चार स्पीसीज के ऊपर डिस्कशन हो चुका था, जिसमें पहली थी टीक, दूसरी सालेट, तीसरी पॉपुलर और चौथी यूकेलिप्टस। इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे कैजुअल रहने से। तो पहली स्पीसीज आती है अपनी टीक, जिसका आपको बोला था इसकी एक तो फैमिली याद रखना होता है जो इसकी वर्बनेसी है। थोड़ा याद रखने के लिए सिंपल हो जाए इसलिए आपको इसे थोड़ा लिंक किया था टेलीविजन से, टीक फॉर टेक्टोना और वी फॉर वर्बनेसी। इसके साथ ही आपको बताया था कि इसके एक तो इसके जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है उससे रिलेटेड इशू था सीड का, क्योंकि जो इसके सीड होते हैं उनकी जो बाहर की कोट होती है वो काफ़ी ज़्यादा, सीड कोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि इनके सीड कोट की डॉर्मेंसी का इशू रहता है, जिसको रिमूव करने के लिए अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एक मेथड है, और दूसरा फर्मेंट करना, जैसे गोबर के साथ फर्मेंट कर देते थे, तो ये दो मेथड थे जिन्हें यूज करते थे। और एक पॉइंट था अपना ये स्टम्प प्लांटेशन, जो टीक के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। टीक में इतनी पड़ा था। इसी फैमिली का एक और प्लांट था मेलाइना अर्बोरिया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था, और फिर एक क्वेश्चन कर लिया था जिसमें पूछा गया था कि वर्बनेसी फैमिली का कौन सा प्लांट है, तो इन्होंने मेलाइना अर्बोरिया इसका आंसर दिया गया था। नेक्स्ट स्पीसीज आई थी अपनी साल, जिसकी फैमिली को याद किया था डाइपटेरोकार्पेसी। यहाँ पर डाइपटेरो के बारे में भी आपको डिस्कस किया गया था कि ये एक टाइप से एनिमो चोरी का एग्जाम्पल है। साथ ही आपको बताया था कि जो साल है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर प्लांट है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर प्लांट है। ये इसके पीछे शायद है कॉजेज भी आपको बताया होगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडिया है, जिस तराई रीजन में, ये जो नॉर्थ इंडियन प्लान जो है अपने उत्तर भारत के जो प्लान है उसमें ये ग्रो कर रहा है, वहाँ पर जो स्ट्रेस है उसमें इसे अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एनर्जी रिक्वायर है तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये ऑब्वियसली लाइट डिमांडर स्पीसीज होगी। दूसरा है यहाँ पर एवरग्रीन ट्री होना एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो डेसीडुअस नेचर के हैं, मेजोरिटी ऑलमोस्ट ऑल सभी पेड़ बोल सकते हो जो डेसीडुअस नेचर के हैं, मतलब जब अपने यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये पत्तियाँ झड़ा देते हैं, लेकिन साल ऐसा प्लांट है जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब इसमें हमेशा पत्तियाँ रहती हैं, या फिर इस टाइप से समझ सकते हो कि इसमें नई पत्तियों का आना और पुरानी पत्तियों का गिरना यानी कि झड़ना दोनों एक साथ होते हैं और साल भर होते रहते हैं, तो इसमें कभी ऐसा कोई पीरियड नहीं आता जिसमें जो पेड़ है वो कभी बिना पत्तों के रहता हो। नेक्स्ट इसमें एक डाइंग बैक फिनोमिना का इशू था जो साल में ही होता है, और इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं साल में, और साल का ही एक और प्लांट है इसी डाइप्टेरोकार्पेसी फैमिली का, वो है डाइप्टेरोकार्पस एलेटस। तो इसके बारे में जस्ट एक कॉमन सा नाम देख लिया था और अपना काम हो गया था, फिर इस पर क्वेश्चन किए थे। और फिर अपना थर्ड प्लांट आया था पॉपुलर। पॉपुलर के बारे में एक तो ये बताया था कि इसकी फैमिली जो है वो सेलिकेसी है, और ये सेलिक्स वाली है, यानी कि जो अपना वाइट ब्लो है जो क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी फैमिली का प्लांट है, ये कॉनिफर्स नहीं है। दूसरा आपको बताया गया था कि ये अमेरिका से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से प्रॉपरली बोले तो ये नॉर्थ अमेरिका का प्लांट है, और वहाँ से इसे अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ जो पेपर इंडस्ट्रीज थी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, और वो जो रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं अपने जो लोकल जो वेजिटेशन थी अपने यहाँ की वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसकी जगह इस टाइप से प्लांट को इंट्रोड्यूस करके एक अपनी रिक्वायरमेंट जो थी उसे फुलफिल किया। इसके बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कटिंग के बारे में था, कि जो पॉपुलर है उसकी जो ग्रोथ करते हैं आजकल हम वो कटिंग के लिए करते हैं, उसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये है कि पॉपुलर की जो खेती है वो लगभग 10 साल लेती है। 10 साल मतलब जैसे अगर आज मैंने अपने खेत में बीज लगा दिए, सीड की सोविंग कर दी, तो उसकी जो कटने का पीरियड है, मीन्स आज अगर हमने सीड को लगा दिया है तो उसके कटने तक आने में उसे कटने का टाइम आने में उसे लगते हैं 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का पीरियड लगा लेता है, जिसे बोलते हैं रोटेशन एज, तो ये लगभग 10 साल का लगा लेता है। अब आप चाहते हो कि आपको 10 साल के बाद जो प्रॉफिट होना है वो 10 साल में ना होके वो 8 साल में ही प्रॉफिट हो जाए,
यानी कि कम पीरियड में ही आपको उतना फ़ायदा मिल जाए। तो आप क्या करोगे, इसे डायरेक्ट यहाँ सीड से न लगा करके आप यहाँ कटिंग से लगाओगे। और कटिंग क्योंकि स्टार्टिंग में जो है प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है प्लांटों की, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल है जो यहाँ पर खेत में ये ग्रोथ करेगा, उसे हम जो नर्सरी बनाते हैं फॉरेस्ट नर्सरी, उस नर्सरी में ही इसे 2 साल काट देते हैं। तो यहाँ जब खेत में लगता है तब वो 2 साल की ऑलरेडी कटिंग होती है, तो उसे खेत में 8 साल ही काटने होते हैं, मतलब 8 साल का पीरियड ही देना होता है। इस टाइप से हमें जो खेत से बेनिफिट यानी कि जो टिम्बर मिलने वाला था 10 साल में, वही टिम्बर हमें 8 साल की खेती में ही मिल जाता है। तो कटिंग के पीछे का उद्देश्य जो है वो ये है। और कटिंग से रिलेटेड एक ही इशू है कि पॉपुलर में सबसे ज़्यादा कटिंग यूज की जाती है, और जो कटिंग का पेड़ होता है वो लगभग 2 साल का यूज किया जाता है। कटिंग लगभग अपने जो अंगूठा है इसकी लगभग डायमीटर का होगा, और लगभग 2.5 से 3 मीटर की इसकी ऊंचाई हो जाती है डंडे की जो कटिंग है उसकी। पॉपुलर में ज़्यादा कुछ देखने नहीं था, इसके बाद इसके कुछ स्पीसीज बता दी थी कि जैसे पॉपुलस एल्बा है, या अपना जो इसी फैमिली यानी कि सेलिक्स की फैमिली का जो प्लांट था अपना सेलिक्स एल्बा, यानी कि वाइट विलो या फिर विलो, केवल विलो भी बोल देते हैं, उसके बारे में देख लेना था कि इसकी फैमिली क्या है, क्योंकि सीधे सीधे फैमिली पूछ ली जाती है। नेक्स्ट एक पॉइंट आपने सिल्वीकल्चर में भी पढ़ा था कि जो पोलार्डिंग की जाती है वो किस में करते हैं, सेलेक्स में। जम्मू कश्मीर में तो पोलार्डिंग काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर ये पोलार्डिंग का काम चलता है इस पर। इससे ज़्यादा अपना कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक अपना ठीक था। इस पर फिर रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद मैन अपना आ जाता था यूकिलिप्टस। यूकिलिप्टस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया था कि फर्स्ट थिंग तो ये कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया, तो वो थे अपने टीपू सुल्तान, इन्होंने 1790 के आसपास इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपको बताया था गया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यूकलिप्टस को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोगों को ये लगता है कि जो यूकलिप्टस को इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली किसी ना किसी अंग्रेज़ ने कराया होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 ऑप्शन वो किसी अंग्रेज के दे देंगे, रॉबर्ट दे देंगे, ब्राउन दे देंगे, समथिंग इस टाइप के नाम दे देंगे, और फोर्थ जो होगा वो टीपू सुल्तान दे देंगे। तो हमें लगता है कि भाई टीपू सुल्तान कहाँ इसमें एग्जोटिक को इंट्रोडक्शन में होंगे, वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे, तो वो आंसर अपने साइड से निगलेक्ट ही हो जाता है, उसे कट ही कर देते हैं, जबकि आंसर उसका टीपू सुल्तान ही है, इन्हीं ने सबसे पहले से इंट्रोड्यूस किया था। अब ये कहाँ से थे, वही कर्नाटक के जो नीलगिरी रेंज है उसी में इनका एम्पायर पड़ता था, मैसूर। मैसूर जो पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं नीलगिरी रेंज के में ही है। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया, नीलगिरी जो साउथ इंडिया में माउंटेन रेंज है उसमें। अब होगा क्या, नीलगिरी रेंज से ही ये पूरी देश में फैला है, जब फैलेगा जो भी चीज़ जहाँ से आती है वो उसी का वही नाम हो जाता है, इसलिए हम इसे यूकलिप्टस को एक जो अपना कॉमन नेम है या जो अपना क्षेत्रीय जो नाम है वो नीलगिरी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है सफ़ेदा, क्यों, क्योंकि इसकी जो छाल है यानी कि जो बार्क है वो देखने में ऊपर से सफ़ेद दिखती है, इसलिए अपन उसे सफ़ेदा टर्म यूज कर लेते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि ये कहाँ से आया है यानी कि इसका होम क्या है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इसकी फैमिली पे, जो क्या है, मरटेसी, बहुत हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसके साथ ये भी बताया था कि इसी फैमिली यानी कि मरटेसी फैमिली के 2 प्लांट और हैं, जिसमें एक तो है अपना लौंग, ये साइजाइजियम एरोमेटिकम, यहाँ पर एरोमा का मतलब खुशबू होता है, तो लौंग का यूज खुशबू के लिए यूज करते हैं, तो ये साइजाइजियम एरोमेटिकम है। और ये अपनी जो जामुन है साइजाइजियम क्यूमनी, उसकी भी यही सेम फैमिली है, कौन सी, मिर्टेसी। इन दोनों को याद रखना है। साथ में आपको ये भी बताया था कि अगर आप याद रख सको तो इसे गावा को भी याद रख सकते हो। गावा क्यों, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक बॉटनी है, क्योंकि आपके जो सेकंड पेपर है उसमें बॉटनी का भी पार्ट जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है, तो गावा जो है वो हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में भी आ सकता है आपको, हॉर्टिकल्चर के सेक्शन में भी आ सकता है, तो इसलिए ये साइडियम जो गुआजावा है यानी कि अपना जो जामफल बोलते हैं, इसका भी नाम याद रख सकते हो कि इसकी भी फैमिली क्या है, मेटेसी है। नेक्स्ट अब अपना आएगा आज का लेक्चर, वो आता है अपना कैचुराइना। कैचुराइना के बारे में सबसे पहले तो आपको इसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, क्या है, कैचुराइना
इक्विसेटिफोलिया, इसकी फैमिली याद रखो। क्वेश्चन आपसे एक तो क्वेश्चन आया है इसकी फैमिली से कि इसकी फैमिली क्या होती है, कैजुराइनेसी है, इसकी मतलब कोई और फैमिली नहीं है, जो इसका नाम है उसी से जुड़ी फैमिली है, और इस फैमिली में और भी कुछ प्लांट है लेकिन मेनली कैजुराइना ही है। अब देखते हैं कि इसका कहाँ का ये ओरिजिन है और अपने यहाँ कैसे आया। कैजुराइना आप लोगों ने अगर जियोग्राफी में देखा होगा, नीचे एक तो अपना आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर अपने ये इंडोनेशिया के आइलैंड हैं बहुत सारे, इस टाइप से बना देते हैं, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जिबूती, फिजी, इस टाइप के छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये सभी इस ग्रुप को जियोग्राफी में एक टर्म, कॉमन टर्म यूज किया जाता है इस रीजन को, इस क्षेत्र के लिए, उसे बोलते हैं ओसिनियन। सो ये जो कैजुराइना है वो इसी रीजन का है, ओसिनियन रीजन का है, खासकर जो इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, इस रीजन में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करता है। लेकिन अपने यहाँ जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सबसे बेस्ट जो कैजुराइना ग्रो करता है वो इंडोनेशिया में करता था। इंडोनेशिया के कुछ इधर के आइलैंड हैं जिसमें आपने कभी सुना होगा पिपुआ न्यू गुएना, एक कंट्री है उसी से जुड़ा हुआ है, कुछ आइलैंड है इसके इंडोनेशिया के, उन पर काफ़ी अच्छा ग्रो करता था। तो वहाँ से हम प्लांट लेके आए और उसे अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। अब कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि हम जो कोस्टल लैंड है उसके एफोरेस्टेशन के लिए कौन सा प्लांट यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है लेकिन इसे समझ लो कि आखिर जो कोस्टल एरिया है उसके लिए हम कैजुराइना को क्यों इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पीछे एक समुद्र है और यहाँ पर ये प्लांट में एक कैजुराइना खड़ा हुआ है। यहाँ पर दो तीन बेसिक रीजन है, उन्हें पहले समझते हैं। देखो पीछे है समुद्र, आप लोगों ने अगर जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि दिन के टाइम पे अगर इसे ज़मीन ले लो, ये क्या है अपना कॉन्टिनेंट, और ये है अपना पानी है, यानी कि ये क्या है, ये अपना हो गया समुद्र यानी कि ओशियन। दिन के टाइम पे ज़मीन जो है वो होती है गर्म, गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी, हवा जब ऊपर उठेगी तो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा है जो भारी है, कि भारी क्यों, क्योंकि इसके हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो हवा है वो ज़मीन की तरफ बढ़ती है। जब हवा ज़मीन की तरफ बढ़ेगी तो इसके साथ साथ देखो ये हवा जो है समुद्र का पानी जब इवेपोरेट हुआ, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी का टर्म तो याद नहीं है उसका, तो जब ये इवेपोरेशन यानी कि पानी है वो हवा में आएगा, उसके साथ साथ आएंगे नमक के कण, और यानी कि इस हवा में नमक के पार्टिकल यानी कि नमक के कण जो हैं वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में होंगे। जब ये हवा ज़मीन पे आती है तो ये नमक के कण भी उस हवा के साथ साथ आते हैं, और जब ये ज़मीन पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये ज़मीन पे गिर करके यहाँ की मिट्टी को क्षारीय बना देते हैं, यानी कि यहाँ की मिट्टी में नमक का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसे बोलते हैं साल्ट स्प्रे, क्या बोलेंगे, साल्ट स्प्रे, स्प्रे जानते हो, नमक का छिड़काव। तो यहाँ की जो सॉयल होती है कोस्टल रीजन की, उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से बहुत सारे अपने जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक ये यानी कि अपने जो नॉर्मल प्लांट है जिन्हें हम चाहते हैं कि ये लगा दें वहाँ पर, तो ये वहाँ उग नहीं पाते क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा इशू, समुद्र के किनारे की जो मिट्टी है इसमें रेत जो है, सैंड जो है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी ज़्यादा परसेंटेज रहने का इशू ये हो जाता है कि आपको मालूम है कि कोई भी प्लांट जो है उसकी जो जड़ें हैं ज़मीन के नीचे वही सब कुछ है, सब कुछ मतलब समुद्र की तरफ से अगर कोई तेज तूफान आया तो ये जड़ें ही हैं जो उसे वहाँ पर टिकाए रखेंगी। अब अगर जो मिट्टी है वो कमज़ोर हुई, वो उतना सपोर्ट नहीं दे पाएगी, तो थोड़ी भी अगर तेज़ हवा आई ये प्लांट उखड़ के गिर जाएगा, वहाँ से विंड थ्रो हो जाएगा। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लूज होने की वजह से भी बहुत सारे प्लांट अपने जो क्षेत्रीय प्लांट हैं, यानी कि जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो जो महाराष्ट्र के एरिया में जो उगने वाले प्लांट हैं वो वहाँ पर उतने सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो रेत की दिक्कत है, दूसरी नमक ज़्यादा है वहाँ, तीसरी दिक्कत है कि वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ जो नाइट्रोजन है ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। जबकि ये जो कैजुराइना है
ये प्लांट तीनों ही केस के लिए सबसे बेस्ट है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी इस टाइप की फाइबरस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसकी वजह से क्या है कि रेत कितनी भी हो, मतलब ये एक एक जड़ ले लो, ये आगे जाके तीन चार निकालेगी, फिर इनसे तीन चार निकलेंगी, तो इस टाइप से बिल्कुल एक फाइबर का एक नेटवर्क बना लेती है, जाल बना लेती है, जिससे ये रेतीली होने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ जम जाती है। दूसरा, इसे नमक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, यानी कि ज़्यादा सैलिनिटी का भी इफ़ेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा इशू था नाइट्रोजन की कमी। तो इसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है फ्रेंकिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला तो क्वेश्चन आपका आता है इसकी फैमिली से, दूसरा आता है कि आपने इसे कहाँ से इंट्रोड्यूस किया, और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वह है फ्रेंकिया से। आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो केवल लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं, जो बायोलॉजिकल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लेग्यूमिनस करते हैं। अदर एक्सेप्शन भी है, लेकिन ब्रॉडली लेग्यूमिनस प्लांट ही करते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली के बाहर अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो केवल एक ही बैक्टीरिया वो है फ्रेंकिया। ये फ्रेंकिया दो प्लांट हैं जिनके अंदर जा कर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसमें एक है एलनस एलनस निपेलेंसिस निपेलेंसिस, और दूसरा है अपना कैचुराना। इन दोनों को ही याद रखना आपको, क्योंकि अक्सर इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, या बोलो कि दर पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात की गई है तो या तो आपको एलनस ऑप्शन में मिलेगा या कैजुराइना मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें और समझ में आ जाएगी। आजकल कैजुराइना को कोस्टल एरिया के जो एफोरेस्टेशन है वहाँ तो करते ही है, उसके साथ साथ आजकल गार्डन में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये गार्डन में ये पेड़ होता है, लेकिन क्या है इसे बढ़ने नहीं देते, यहाँ से काटते रहते हैं, तो इसे एक टाइप से श्रब बना दिया, छोटा सा पेड़ बना दिया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन कैजुराइना। कौन है जो कैजुराइना की रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है? तो अपना क्या आंसर आएगा? फ्रेंकिया। देखो राइजोबियम किसके अंदर करता है? लेग्यूम्स के अंदर, ठीक है, और ये करेगा फ्रेंकिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉस्टॉक भी करता है, लेकिन नॉस्टॉक एल्गी है और एक टाइप से इसके अंदर नहीं करता, वो नॉस्टॉक अलग ही फ्री लिविंग वाटर में मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ कैजुराइना इज एट्रीब्यूटेड टू। कैजुराइना की जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी है वो किसकी वजह से है? तो वो है फ्रेंकिया की वजह से। यहाँ पर और भी है, राइजोबियम जो है वो अपना लेग्यूम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको। ये जो एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम है ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ये है ये करते हैं एयर में है फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो एयर में रहते हैं और एयर में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनका किसी प्लांट के साथ लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री, कौन सा प्लांट है जो कि नॉन लेग्यूमिनस है? देखो एक तो अपना कैजुराइना है जो कैजुराइनेसी का है, एलनस नेपलेंसिस है जो कि कॉनिफर्स के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि अपने दोनों ही है जिनमें फ्रेंकिया है और दोनों ही इसमें नॉन लेग्यूमिनस है जिनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। अदर डायरेक्टा इंडिका यानी कि अपना जो नीम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये लेग्यूमिनस का नहीं, मिलिएसी फैमिली का है। आगे आएगा तब आपको नीम की फैमिली भी याद रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लेग्यूमिनस ट्री, कौन सा प्लांट है जो नॉन लेग्यूमिनस है? अब आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई कौन सा है जो लेग्यूमिनस नहीं है, या आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो समझ लो कि अगर लेग्यूमिनस है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, तो आप उसमें ये देखो कि कौन सा प्लांट है जो नॉन लेग्यूमिनस है, यानी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था नॉन लेग्यूमिनस ट्री कौन सा है,
स्पीसी, यहाँ पर पूछा नॉन लेग्यूमिनस ट्री स्पीसी जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है, तो सीधी सी बात है कैजुराइना है या एलनस है। नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉन लेग्यूमिनस ट्री कौन है? अपना कैजुराइना। ये सेम सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब के सब एक ही बात को दोहरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद कैजुराइना फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आप उसे आराम से फ्रेंकिया लगा लोगे। तो ये मोटे तौर पर अपने कैजुराइना के जो क्वेश्चन थे उन्हें कर लिया। नेक्स्ट अपनी स्पीसीज आएगी सेंटिलम एल्बम, चंदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग तो इसकी फैमिली पे क्वेश्चन आते हैं कि आखिर जो चंदन है उसकी फैमिली क्या है। तो जैसा इसका नाम है सेंटिलम एल्बम, तो उसी से रिलेटेड इसकी फैमिली है सेंटिलेसी। एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये किस रीजन में ग्रो करता है इंडिया का, तो अपना जो पेनिनसुला रीजन है, आपने सुना होगा वीरप्पन के बारे में सुना होगा, चंदन तस्कर था। तो ये जो अपना साउथ इंडिया है, खासकर तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ पर चंदन काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो करता है। जब ग्रो करेगा तो क्या होगा, वीरप्पन भी वहीं था तमिलनाडु में, तो ये इलीगली अवैध रूप से जंगल से चंदन के पेड़ों को काट के मार्केट में, जो नंबर दो मार्केट होता है उसमें बेच देता था। तो चंदन का सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, साउथ इंडिया यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा है कि चंदन जो है वो लाइट डिमांडर, ये लाइट डिमांडर नहीं है, चंदन जो है वो शेड डिमांडर है, यानी कि इसे अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए छाया चाहिए, छाया प्रिय है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि चंदन किस टाइप की सॉइल में ग्रो करता है, किस टाइप की मिट्टी में उगता है। तो जैसा आपको बताया कि ये तमिलनाडु वाले रीजन में उग रहा है, यानी कि मिट्टी कैसी होगी, रेड सॉइल। जब फॉरेस्ट सॉइल पढ़ेंगे तो आपको ये सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो इसमें आपको कोई भी सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई भी बता सकता है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पेनिनसुलर इंडिया यानी कि रेड सॉइल। तो चंदन किस में होता है, रेड सॉइल में। और तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें जिनके पास टाइम हो उसे पढ़ लें, अदरवाइज इसे सीधा इग्नोर कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसकी पैरासिटिज पे। चंदन जो है वो ऑब्लिगेटरी पार्शियल रूट पैरासाइट है। ये शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला है पार्शियल रूट पैरासाइट। चंदन के साथ क्या है कि इसका जो रूट है, जैसे कि ये होस्ट प्लांट ले लो, ग्रास एक समझने के लिए लिया गया। जनरली क्या होता है कि कोई बगल का पेड़ होता है जिसके बगल में चंदन के पेड़ को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि चंदन का जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो थोड़ा कमज़ोर होती हैं, उनका जड़ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उन्हें क्या है कि ज़मीन से चाहिए होता है पेड़ों को दो चीज़ें, एक चाहिए न्यूट्रिएंट यानी कि मिनरल जो पोषक तत्व हैं, और दूसरा चाहिए पानी। चंदन जो है वो इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जितना उसका खर्चा है उतनी उसे आमदनी नहीं हो पा रही है। तो ये क्या करता है कि बगल का जो होस्ट प्लांट है, कोई भी प्लांट हो सकता है जिस जिनमें ये प्रॉपरली ग्रोथ करते हैं, तो उस प्लांट की जड़ों के साथ जुड़ के इनकी स्ट्रक्चर होती है हॉस्टोरिया। बस इतना याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टोरिया ये एक्चुअल में फंजाई की स्ट्रक्चर है, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बस एक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ लिया गया है कि चंदन के पेड़ जो जड़ें हैं वो एक हॉस्टोरिया एक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू ये जो प्लांट है इससे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, उससे निकालना शुरू कर देता है। इस टाइप से इसकी जो ज़रूरतें हैं वो ये पूरी कर लेता है। लेकिन देखो, इसकी खुद का भी जड़ है, खुद का भी रूट सिस्टम है, तो कुछ पानी और मिनरल्स ये खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ ये पड़ोसी से ले रहा है, इसलिए ये पार्शियल है, कंप्लीट ना होके पार्शियल। और कहाँ से ले रहा है, रूट से, इसलिए ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। अब एक टर्म और है इसके आगे, ऑब्लिगेटरी। याद रखो दो टर्म आते हैं अब अक्सर, एक होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी। कई बार आएगा कि कोई प्लांट है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है या ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, तो कैसे याद रखोगे? ऑब्लिगेटरी, ओ का मतलब वन, ओ का मतलब वन, इसका मतलब है कि ये प्लांट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे ही पैरासाइट है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही प्लांट आता है, कोई दूसरा नहीं आता है।
फैकल्टेटिव का क्या मतलब है कि वो सपोज जैसे कि पैरासाइट तो है वो, लेकिन अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो अपना काम सेप्रोफाइट यानी कि सड़े गले चीज़ों से भी कर सकता है। मतलब उसका जो नेचर है वो तो है, लेकिन अगर उसे कंडीशन एडवर्स आ जाए या कंडीशन कुछ बदल जाए तो फिर वो जो जो उसका काम था उसे छोड़ कर वो कुछ और करने लगता है। जो पैरासाइट था वो सेप्रोफाइट हो जाता है और सेप्रोफाइट पैरासाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन ऑब्लिगेटरी का मतलब अगर कोई ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है यानी कि वो पैरासाइट ही रहेगा, अगर उसे होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो वो मरना मर जाएगा प्लांट, लेकिन वो सेप्रोफाइट नहीं बनेगा, वो पैरासाइट था तो पैरासाइट ही रहेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है इस पर सैंडलवुड पर। जो दूसरा अच्छा खासा क्वेश्चन है वो है इसका डिजीज पे। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पाइक डिजीज है वो किस में होती है या सैंडल स्पाइक डिजीज किस में होती है। अब क्योंकि सैंडल स्पाइक तो बोलेंगे नहीं, सीधी स्पाइक बोल के आपसे ऑप्शन में सैंडलवुड दे देते हैं, या फिर इस टाइप से पूछ लेते हैं कि सैंडल स्पाइक जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको वायरस, ध्यान दें इसे, वायरस है, बैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, अब होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर ने वायरस या बैक्टीरिया को ही पढ़ रखा होता है और इन्हीं में से लगा कह जाते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसी को कभी कभी बोलते हैं PPLO या फिर इसे बोलते हैं MLO। यही जो है PPLO या MLO ये सेंडल स्पाइक डिजीज करता है। तो सेंडल स्पाइक डिजीज याद रखना है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट याद रखना है। एक तीसरा पॉइंट और है सैंडलवुड में, इसमें देखते हैं आगे है कि नहीं, नहीं है। तीसरा इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे याद रख लो। आपको पता है कि चंदन जो है इससे चंदन का तेल भी निकालते हैं और इसका पाउडर भी है जो अपन तिलक लगाने के काम में आता है। तो ये जो चंदन है वो कहाँ से निकालते हैं, सैंडलवुड जो ऑयल है वो कहाँ से निकालता है। वो निकालता है इसकी जो, देखो टिम्बर आपने देखा होगा, एक कोई इसका लकड़ी का पीस है, उसका जो अंदर की जो पार्ट है, अंदर का जो है इसे क्या बोलते हैं, हार्ड वुड, हार्ड वुड। और बाहर का जो पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है इसे बोलते हैं सैप वुड। तो हार्ड वुड है और सैप वुड है। चंदन में क्या है, ये जो इसकी हार्ड वुड है उसी से ही अपन को चंदन का तेल निकलता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, तो सब कुछ इस हार्डवुड से निकलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला है कि फिलिंग बाय रूट इज डन। कुछ पेड़े होते हैं, कुछ पौधे हैं जिनको जड़ से काटा जाता है। देखो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आपके आसपास कोई पेड़ है, सपोज आपके यहाँ बबूल का पेड़ है या टीक का पेड़ है, तो आप टीक के पेड़ को क्या करते हो कि जैसे ये पेड़ बना दिया गया है आपका, यहाँ पर ये टीक का प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर उसकी जड़ें हैं, आप पेड़ को यहाँ से काट करके लेके चले जाते हो, आप उसकी जड़ें कभी नहीं खोदते। क्यों नहीं खोदते हो कि आपको जड़ों को खोदने में जितना लेबर कॉस्ट लगेगा, मजदूर लगा दिए 2 दिन लगे उसे निकालने में, तो जितने की जड़ें निकली उतनी ही आपकी मजदूरी लग गई, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं पड़ा, इसलिए आप नहीं लगाते उसे। लेकिन अगर कोई पेड़ ऐसा है कि जिसकी जो जड़ है उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है, सपोज आपने मजदूरी लगाई, मजदूरी नहीं, 4 दिन मजदूर लगे रहे और आपकी मजदूरी हुई 2000 की, 2000 की, लेकिन जो लकड़ी निकली वो है 25,000 की, तो ऑब्वियसली आप लकड़ी छोड़ोगे नहीं, वो जो जड़ें हैं उन्हें भी गड्ढा खोद कर निकाल लोगे, क्योंकि जड़ों की कीमत है। तो वही है कि ऐसे पेड़ जिन्हें रूट से, फिलिंग बाय रूट इज डन, यानी कि उनकी जो फिलिंग यानी कि कटाई जो है, पेड़ों की जो कटाई है वो जड़ों से कर ली जाती है, वो किस किस की करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों पेड़ हैं, ये अपना खैर है, ये अखरोट है और ये सेंटिलम एल्बम है। तीनों को याद रख लो, जब आगे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे तो यही चीज़ें फिर वापस आएंगी आपको। तीनों का ही किया जाता है। MPPSC में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसका जो वुड पाउडर यानी कि लकड़ी का जो पाउडर है, जो बुरादा है, उसे हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। कॉस्मेटिक मतलब जो फेसियल मास्क, फेसियल जो वगैरह करते हैं, पाउडर हैं, क्रीम है, इनमें यूज करते हैं। तो
सीधी सी बात है, इसमें जितने भी आप पढ़ोगे कोई भी आदमी हो, जैसे ही वो देखेगा कि चंदन है तो सीधी समझ में आ जाता है, क्योंकि चंदन का हम माथे पे लेप करते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बॉटेनिकल नेम ऑफ सैंडलवुड ट्री, चंदन के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्या है? सेंटेलम एल्बम। एक बात ध्यान रखो यहाँ, कई बार हम लोगों से थोड़ी गलती हो जाती है। जैसे ऑप्शन में ऊपर से पढ़ना शुरू किया, यहाँ पर सेंटिलम दिखा, सेंटिलम एल्बम, यहाँ एक्यूमिनेशन लिखा है, लेकिन जैसा सेंटिलम एक है इतना दिखा, बोला बस पक्का पक्का यही आंसर हो, लगा करके सीधा आ करके आगे बढ़ जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलने के बाद पता पड़ता है कि भाई तुमने कौन सा लगाया, बोला मैंने सी लगाया, तुम्हारा भाई मैं तो बी लेकर आया था, यही आंसर है। फिर बाद में पता पड़ता है कि बी तो यही एक्यूमिनेशन लिख रखा था, मतलब मुझे बेवकूफ़ बना दिया एग्जामिनर ने। तो ऐसा ना हो, एक बार आप जब आंसर लगाओ तो ये देखो, ये मिलते जुलते नाम कई बार वो लगा देते हैं और कन्फ्यूजन ना हो जाए उनमें। अपनी अगली इम्पोर्टेंट फैमिली है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। पहले इसका पुराना नाम फैबेसी था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया और अब उसका नया जो नाम है वो है लेग्यूमिनेसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है, ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो भी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन जो आते हैं इस टाइप के, घूम फिर के लगभग 50% जो क्वेश्चन होंगे वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के आसपास ही घूमते हैं, चाहे वो उसके साइंटिफिक नेम और फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हों, या नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड हो, या इसके जो फ्रूट हैं जैसे कि लॉमेंटम है इसके बारे में क्वेश्चन हो। यानी कि अगर सपोज आपके एग्ज़ाम है, हालांकि CGPSC में उम्मीद है 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 क्वेश्चन आए तो उसमें से 1 क्वेश्चन है वो लेग्यूमिनेसी से ही हो। ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इस फैमिली को 3 सब फैमिलियों में डिवाइड किया गया है। इनमें पहली फैमिली है मिमोसेसी, दूसरी है पैपिलियोनेसी और तीसरी है सिजलपिनेसी। यानी कि लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली के अंदर 3 छोटी छोटी फैमिलियाँ आती हैं। हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनके जो स्पिल ओवर इफेक्ट है यानी कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत सारी अदर जगह आते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले फैमिली डिस्कस करेंगे वो है अपनी मिमोसेसी। मिमोसेसी फैमिली के अंदर आते हैं अपनी एक तो अकेसिया स्पीसीज। अकेसिया में कौन आएगी? जैसे अपना बबूल है अकेसिया निलोटका, अकेसिया कटेचू, खैर है, ये सब जो अकेसिया वाले हैं वो सबके सब मिमोसेसी के अंदर आते हैं। दूसरा आएंगे अल्बिजिया वाली स्पीसीज, जिसमें अल्बिजिया लीबैक है, अल्बिजिया प्रोसेरा, ये सीरीज, काला सीरीज, सफ़ेद सीरीज वो वाली है। तीसरा है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और सिनरेरिया। सिनरेरिया मतलब खेजड़ी, आप लोगों ने खेजड़ी जो राजस्थान में आपने सुना होगा, खेजड़ी का जो पेड़ होता है या खिचुड़िया बोलते हैं लोकल में, तो ये प्रोसोपिस सिनरेरिया होता है। और जो जूलीफ्लोरा है ये अपने यहाँ का नहीं है, इसे मस्केट बीन भी बोलते हैं, मैक्सिको से जो बाहर है फॉरेन से लेकर के 85 के टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को। तो यहाँ अकेसिया स्पीसीज है, अल्बिजिया है, प्रोसोपिस है और केसिया, केसिया टोरा है जैसे। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सब के सब किस्में हैं मिमोसेसी के, मिमोसेसी फैमिली के प्लांट हैं। अब ये क्योंकि याद रखने में थोड़ा दिक्कत आती है तो इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया है, आपकी आप अब आप तो याद ही रहता है आम आदमी पार्टी, तो यहाँ पर आप कैसे बनेगा? अकेसिया ए, अल्बेजिया और प्रोसोपिस। तो आप अकेसिया, अल्बेजिया, प्रोसोपिस, ये तीनों ही जो है अकेसिया, अल्बेजिया, प्रोसोपिस तीनों किस फैमिली के हैं? मिमोसिसी फैमिली के सदस्य हैं। और मिमोसिसी किसकी सब फैमिली है? लेग्यूमिनेसी की। इसका मतलब है कि ये जो आप वाले प्लांट हैं ये तीनों सभी के सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो याद रखना कि सभी के सभी प्लांट लेग्यूम है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में करेंगे, पहला तो प्लांट आ जाएगा अपना अकेसिया निलोटका, यानी कि क्या आ जाएगा? बबूल। फैमिली क्या है? मिमोसेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी। अब इसके बहुत सारे जो फिनोलॉजिकल कैरेक्टर हैं कि फ्लावरिंग कब आती है, फ्रूटिंग कब आती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। CGPSC वालों को इन्हें देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
जिनके पास टाइम है वो देख सकते हैं। इसका पर्पस यही केवल यही है डालने का कि जो लोग फ्यूचर में कुछ अदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक रिव्यू थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए, ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, पहला तो यह है कि ये अपना जो पेड़ मिल गया अपना जो भी बबूल का है, इसका फल जो बनता है, ये फल को नाम है लोमेंटम। आप लोगों ने अगर बॉटनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, अदरवाइज बॉटनी में जो फ्रूट है उनके टाइप पढ़ते हैं कि कौन से फ्रूट के बहुत सारे टाइप होते हैं, उन्हीं में एक होता है लोमेंटम। तो वो अपना ये जो बबूल है उसके फ्रूट का जो टाइप है वो है लोमेंटम। दूसरा है इसकी जो बार्क है और इसके जो पॉड है, इनसे हमें टैनिन मिलता है। क्या मिलता है? टैनिन। बार्क से मिल गया तो बार्क टैनिन, और यहाँ से मिलता है तो इसे बोलते हैं फ्रूट टैन। तो फ्रूट टैनिन और बार्क टैनिन दोनों ही मिलता है। टैनिन जो केमिकल है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में से और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसका यूज़ होता है जो अपना चमड़ा होता है जो जानवरों की जो खाल है उसको प्रोसेस करने के लिए हम टैनिन का यूज करते हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं, वहाँ सस्ता पड़ता है। इसी से क्वेश्चन है जैसे कि फ्रूट ऑफ अकेसिया, अकेसिया के फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो जैसा मैंने अभी बोला लोमेंटम। फ्रूट के बहुत सारे टाइप हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अकेसिया इनफ है अपने लिए। दूसरा बबूल की फैमिली क्या है? तो बबूल की फैमिली है अकेसिया निलोटका, तो प्लांट हो गया। इसकी फैमिली क्या है? मेमोसिसी। अब मेमोसिसी नहीं दिखा दिया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन? लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम अरेबिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। देखो गम अरेबिक जो अपना बबूल है यानी कि अकेशिया निलोटका है, इसको गम अरेबिक भी बोला जाता है। इसी का एक कॉमन नेम है, इंग्लिश में इसे गम अरेबिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा था कि गम अरेबिक किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वह है अकेशिया निलोटका। नेक्स्ट प्लांट आएगा अपना कत्था यानी कि अकेशिया कटिचू, फैमिली भाई गेसिपिटी है। यहाँ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो ये है, नॉर्थ इंडिया में जो अपन कत्था निकालते हैं वो है अकेसिया कटचू से, लेकिन साउथ इंडिया में, यहाँ थोड़ा नॉर्थ साउथ का वेरिएशन है, नॉर्थ में तो अपन खैर जो खैर बोलते हैं अकेसिया कटचू, इससे कत्था निकालते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया वाले हैं वो कटचू ना होकर वहाँ पर होता है चुंड्रा। ये जो अकेसिया चुंड्रा है उससे वो ये कटाचिन जो है यानी कि कत्था जो है वो चुंड्रा से निकालते हैं। इसे एक और फैमिली है कटेचुनोइड है, जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो इससे निकालते हैं, कटेचुनोइड से इस साइड वाले। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि कटेचुआ और चुंडरा इन दोनों से काम चल जाता है। अब करते क्या है कि इसकी जो लकड़ी है, लकड़ी क्या अपना पेड़ जो होगा, जैसे ये पेड़ है अपना, ये तो पेड़ का क्राउन हो गया और ये ज़मीन हो गई। इसकी जो लकड़ी लेंगे यहाँ पर, ये अपना स्टेम रहा। इसकी जो अंदर की जो है हार्ट बोर्ड, जो अंदर वाली है, क्या बोलेंगे उसके अंदर को? हार्ट। हार्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, हार्ड और सॉफ्ट, आगे जाके हम पढ़ेंगे इस चीज़ को भी। हार्ड और सॉफ्ट यानी कि कठोर और मुलायम वो अलग चीज़ है। हार्ट और सैप, सैप वुड और हार्ट वुड। हार्ट मीन्स अंदर, आपका दिल जो होता है, हार्ट जो है वो अंदर होता है, तो हार्ट वुड मतलब जो लकड़ी के केंद्र में जो डार्क वाली होती है, जो गाढ़े कलर की जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं हार्ट वुड। तो ये कत्था भी जो है वो इसी हार्ट वुड से निकलता है। इसको क्या करते हैं बाद में, जैसे आलू की चिप्स होती हैं उस टाइप से इसे चिप्स कर लेते हैं और पानी में डाल के दर तरीके से उबालते हैं, खूब उबालते हैं, जिससे इसके अंदर का जो कत्था है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो निकल जाए, उससे बाहर आ जाए। और जब एक बार बाहर आ जाता है तो उसे फिर उबाल के, जैसे आपने दूध को, दूध जैसे होता है उसे उबाल बॉयल करके फिर मावा बना लेते हैं, वैसे इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसे निकाल के उसे भी घोट करके यानी कि बॉयल करके मावा की तरह बना के उसे ठंडा करके कत्था बनाया जाता है। ना केवल कत्था, उससे एक अलग एक केमिकल और निकलता है जिसे बोलते हैं कटैचिन। तो कत्था और कटैचिन दोनों इसी से मिलते हैं, बस इतना इनफ है अपने लिए याद रखने के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, खासकर एग्ज़ाम में, CGPSC जैसे एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अकेसिया कटिचू इज कॉमर्शियली यूज फॉर, अकेसिया कटिचू को हम किस कॉमर्शियली किसके लिए यूज करते हैं? तो सीधे सीधे कत्था बनाने के लिए, कत्था और कटेचिन ये दोनों काम इसी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है अकेसिया ओरिकुली फॉर्मेस।
बस इसे इसलिए याद रखना है कि ऑरिकुलिफॉर्मिस कहाँ से आई, ऑस्ट्रेलिया से, एक्जोटिक प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसका एक कॉमन नेम है ऑस्ट्रेलियन वेटल। इससे ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखो कि एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस को का एक नाम है ऑस्ट्रेलियन वेटल, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ आए थे। और एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस की फैमिली क्या होगी, एकेसिया की जो है यानी कि म्यूमोसिसिस की फैमिली होगी। इसमें एकेसिया के बाद आएगा अपना अल्बिजिया। अल्बिजिया की दो स्पीसीज है, एक है अल्बिजिया लीबैक और दूसरा होता है अल्बिजिया प्रोसेरा। इनमें फ़र्क क्या है, ये जो प्रोसेरा है इसको बोलते हैं सफ़ेद सीरीज, और जो लीबैक है इसको बोलते हैं केवल सीरीज, या इसे बोलते हैं काला सीरीज, ठीक है ना। प्रोसेरा सफ़ेद है और लीबैक जो है उसे बोलते हैं काला सीरीज। फैमिली क्या है, वही मीमोसेसी है, कॉमन सी बात है। आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इसकी, अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इम्पोर्टेंस ये है कि बकरियाँ वगैरह इसकी पत्तियाँ खा लेती हैं। दूसरा, ये लेग्यूमिनेसी का फैमिली का प्लांट है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो जहाँ उगेगा वहाँ ज़मीन जो है उसकी उर्वरकता यानी कि उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा है तो जो अपने कैटल हैं यानी कि जानवर हैं उनको खाने के लिए पत्तियाँ देंगी। फल जो इसकी पॉड हैं, जो यहाँ पर फलियाँ दिख रहा है, तो ये फलियाँ जो है वो भी कैटल को खाने को मिलेंगी, तो एक टाइप से पॉड का काम कर दिया इसने। तीसरा क्या है कि लोग इनकी जो ब्रांचेज हैं उन्हें काट के, उन्हें चॉप करके छोटे छोटे पीस में काट के खेत में मिला देते हैं, जिससे खेत की जो उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके। इसमें बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो नोट्स दिए गए हैं मीन्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुकलेट दी गई है उसमें आप ट्री स्पीसीज वाली जो है उसको चेक करेंगे, तो ये जितने भी आए हुए क्वेश्चन है ट्री स्पीसीज के सब के सब वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, एमपी का है ये, 2011 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये जो वुमन टंग ट्री है वो किसे बोलते हैं। तो क्योंकि ये जो अल्बिजा लीबैक है काला सीरीज जो है, इसे टंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पॉड होती है वो बिल्कुल बहुत ही लंबी होती है। अब उसे एक टाइप से डेरोगेटरी टर्म मान लो, लेकिन महिलाओं की जो टंग है उस टाइप से इसे बोल दिया गया, डेरोगेटरी टर्म है, लेकिन अब कॉमन का भी आ गया आ गया, तो ये अल्बिजा लीब को ही वोवन टंग ट्री बोला जाता है। आपको इनकी फैमिली एक बार याद हो तो बता दो, मेलाइन अर्बोरिया इसकी आपको मालूम होगा टिक की फैमिली है यानी कि वर्बनेसी, अल्बिजिया लीबैक यानी कि अल्बिजिया, अकेशिया और प्रोसोपिस आपकी फैमिली इसकी क्या है, मेमोसेसी। वैसे ये प्रोसेरा है, ये है सफ़ेद सीरीज और लीबैक है काला सीरीज। बाउहिनिया को आगे जाके हम फिर से आएगा पढ़ेंगे इसे। इसमें अल्बिजिया, अकेशिया और तीसरा क्या बचा अपना, प्रोसोपिस। तो प्रोसोपिस में आता है एक तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी कि खिजड़ी, खिजड़ी का जो प्लांट जो राजस्थान में उगता है वो है ये खिजड़ी वाला प्लांट, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली पूछा जाता है। या फिर ये कि राजस्थान में जो ज़्यादातर कौन सा प्लांट उगता है, या जो सेमी एरिड, कौन सा रीजन है ये, सेमी एरिड। सेमी एरिड क्यों बोल रहा हूँ, देखो एरिड का मतलब होता है डेजर्टिक कंडीशन, सेमी एरिड का मतलब है कि बिल्कुल मरुस्थल नहीं है, थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम है एरिड कंडीशन, तो ये सेमी एरिड की बात कर रहा है, यानी कि कम हल्का सा मरुस्थली, यानी कि यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ा हल्का रेतीलापन होता है, बहुत ज़्यादा रेत नहीं होती है, फसलें होती है लेकिन हल्का रेतीलापन होता है उसमें, तो सेमी एरिड कंडीशन में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करता है। इसके बाद इसमें कुछ रिमेनिंग जो ट्री स्पीसीज हैं, जैसे एक तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है जिसे मैक्सिको से अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो क्वेश्चन आता है कि 85 के टाइम पे जो अपने चंबल है, अरावली रेंज है और राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं अरावली उसमें, और वेस्टर्न घाट और आपकी जो तेलंगाना के आसपास है वहाँ पर भी इसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को एयर सीड किया गया था, यानी कि इसकी बड़े बड़े बोरे भर के ले आए थे। उस टाइम पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एक्चुअल में राजीव गांधी ने उस टाइम पर एक कमेंटमेंट किया था कि हम हर साल 5 मिलियन हेक्टर को एफोरेस्ट करें, यानी कि हर साल 5 मिलियन हेक्टर एरिया में हम नए प्लांटेशन को ग्रो करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट को उगाएंगे, हर साल 5 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट को उगाएंगे। अब वो कैसे उगाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैक्सिको से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बोरे भर भर के मंगा लिए,
और यहाँ पर जो अपने प्लेन थे यानी कि एरोप्लेन थे उनमें चार लोगों को बिठा दिया और बोरे से वो ऊपर से सीट फैलाते रहे, नीचे ज़मीन पर गिराते रहे। तो इस टाइप से 85 के टाइम पर इन्होंने चंबल वाला रीजन है सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान का अरावली रीजन है, अपना जो वेस्टर्न घाट है मतलब महाराष्ट्र का, और जो गोवा वाला कर्नाटक का रीजन है इस पूरे वेस्टर्न घाट में, और ये अपना जो ये हैदराबाद है तेलंगाना का जो रीजन है उसके आसपास भी इन्होंने इसके बीज थे जो इसके स्प्रे किए, मतलब हवाई जहाज से नीचे ज़मीन पर पटके गए, एयर सीडिंग की गई जिससे उस पूरे रीजन में ये फैल गया। तो बस एक तो क्वेश्चन आपसे ये एयर सीडिंग का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, दूसरा ये कहाँ से आया, मैक्सिको से, तीसरा इसकी फैमिली क्या है, मिमोसिसी, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन आते हैं नहीं। कुछ मिमोसिसी के जो प्लांट बचे रह गए उनको आपको जो नोट्स दिए गए थे सिल्वी कल्चर के साथ जो मॉड्यूल वन के नोट्स दिए गए उसमें एक टेबल फॉर्म दे दी गई है, तो उसमें ये प्लांट जो है जो अपने मिमोसिसी के थे ये सभी हैं एक साथ, इन्हें एक बार आप रट्टा मार सकते हैं ना इससे काम हो जाएगा। जैसे अपना अकेसिया निलोटका है, अकेसिया कटचू है, अकेसिया कॉनसिन्ना है, जो अकेसिया कॉनसिन्ना है इसी को सीकाकाई बोलते हैं, सीकाकाई या सोप पोड। इसके साथ इशू ये होता है कि आपने रीठा सुना होगा, रीठा अलग है, सेपेंडस इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, और रीठा का एक भाई समझ लो इसे अकेसिया कॉनसिन्ना को, बिल्कुल रीठा जैसा ये प्लांट है, मतलब छोटा सा प्लांट है, मीडियम साइज का है, और इसके जो बीज है यानी कि जो सीड है जैसे आम का फल होता है इसका छोटा सा सीड होता है, और इसकी बाहर सीड के बाहर की जो कवर होती है ये थोड़ी मोटी होती है, और इसी जो कवर है इसी को निकाल लेते हैं और यही इसी को पाउडर बना देते हैं, और वो पाउडर एक टाइप से रीठा की तरह काम करता है, फसू कर देता है, झाग देता है, और पुराने ज़माने में कपड़े वगैरह धुलने में जो राजा रानियां होती थी वो अपने जो बाल धुलते थे तो इसमें इसे काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे, किसे अकेसिया कॉनसिन्ना को, ये सब क्योंकि अकेसिया तो सबके सब मिमोसिसी फैमिली के हैं। यहाँ पर अकेसिया डेलबाटा है, सिल्वर बैटल बोलते हैं अकेसिया, बकाया की और भी फैमिली, इनके नाम एक बार देख लो, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसोपिस अपनी है, टेरोकार्पस सेंटेलेन, ये से याद रख लो टेरोकार्पस को, इसे बोलते हैं रेड सैंडलवुड, कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो रक्त चंदन है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त चंदन, आपसे पूछा गया कि रक्त चंदन की फैमिली क्या है और रक्त चंदन का साइंटिफिक नेम क्या है, टेरोकार्पस सेंटेलेनम, ये पूछ लिया और इतने में अपना काम हो जाता है। अब अपनी अगली फैमिली, हाँ एक बात याद रखो, ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं इनके क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो सेपरेटली क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किए गए हैं, टाइम काफ़ी चला जाता है इन्हीं के डिस्कशन में। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक जो बुकलेट दी गई है उसमें आप ट्री स्पीसीज वाले चैप्टर में जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। अपनी नेक्स्ट फैमिली क्या है, मिमोसिसी हो गई, इसमें ये मिमोसिसी में कौन से आएंगे, अपने अकेसिया, अल्बिजिया, प्रोसोपेस, केसिया, तो ये अपनी आपकी फैमिली तो है मिमोसिसी की और सबके सब लेग्यूमिनेसी के हैं। अगली फैमिली आएगी अपनी पेपिलियोनेसी की, पेपिलियोनेसी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक है डेलवर्जिया सिस्सू और दूसरा है डेलवर्जिया लैटिफोलिया, दोनों ही पेपिलियोनेसी की, डेलवर्जिया सिस्सू और लैटिफोलिया, इनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लैटिफोलिया की जो पत्तियाँ, इनके पत्तियों में वेरिएशन है, देखो सिस्सू की जो लीफ होती है, सिस्सू की जो लीफ है वो थोड़ी ऐसी कुन्ने वाली, मतलब पत्ती जैसी पत्ती होती वैसी है, लेकिन उसका एक मार्जिन जो है वो लंबा हो जाता है, और लैटिफोलिया है उसका मार्जिन जो है वो सिकुड़ा होता है अंदर की तरफ, ये इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने लिए जो मतलब का है कि जो लैटिफोलिया इसको बोलते हैं रोज वुड, इस बात को याद रखो क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि रोज वुड किसे बोलते हैं, तो वो डेलवर्जिया लैटिफोलिया को ही रोज वुड बोला जाता है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअल में। ग्रोविंग रीजन की बात की जाए तो अपने जो यूपी के प्लान है उसमें सबसे ज़्यादा ये उगता है, बहुत ज़्यादा उगता है, क्योंकि इसे चाहिए पानी, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और यूपी के जो प्लान है उनका वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है, ऊपर है, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेसीडुअस नेचर का है, मीडियम साइज़ का प्लांट है, डेसीडुअस नेचर का है, डेसीडुअस का मतलब है ये एक्चुअल में गर्मियों में तो पत्तियाँ नहीं झाड़ रहा था, लेकिन गर्मियों के शुरू होने से पहले पत्तियाँ झाड़ देता है ये, मतलब सर्दियों के आसपास से जो अपना जो दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में ये इसकी पत्तियाँ लगभग गिर सी जाती हैं बहुत सारे रीजन में,
यहाँ लीफ फॉल लिखा भी हुआ है, मार्च में है, तो ये उस होली के आसपास समझ लो कि इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो इसलिए ये डेसीडुअस नेचर का है। और मेन मुद्दा है कि इतना याद रखो कि डेसीडुअस का है, लैटीफोलिया रोजवुड को बोलते हैं, अपना काम हो जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की अपन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये खाली पीली की चीज़ है, इनमें अभी पचले में अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा डिटेल में चाहते हैं वो इसे पढ़ लें। अब यहाँ यहाँ पर ये जो रूट सकर की बात की जा रही है, इसे अपन सिल्वी कल्चर में देख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखने की ज़रूरत कुछ ऐसा है नहीं। इसी पेपिलियोनेसी फैमिली के कुछ प्लांट और हैं, जिसमें एक आता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये कई बार दो तीन जगह क्वेश्चन में आ चुका है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पूछा नहीं गया लेकिन ऑप्शन में आ रहा है, बार बार ऑप्शन में आया हुआ है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो इसे देख लें। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा की जो फैमिली है वो है पेपिलियोनेसी। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो अपने ढाक है, पलाश बोलते हैं या ढाक बोलते हैं, जिसकी पत्तियों को तोड़ के अपन दोना पत्तल वगैरह, जो गाँव में जो शादियाँ वगैरह होती हैं या कुछ भी फंक्शन होता है, तो जो जब भी लंच या डिनर कराया जाता है तो वो जो पत्तल होती है वो किसकी बनती है, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा की पत्तियों की। इसी की एक और है ब्यूटिया सुपरबा, बस मैंने मोनोस्पर्मा याद रख लो अपना काम हो जाता है। दूसरा है अपना डलबर्जिया लैटीफोलिया, जिसे बोलते हैं रोज वुड, यानी कि शीशम, रोज वुड कई बार पूछा जा चुका है। एक है गुलमोहर डिलोनेक्स रेजिया, गुलमोहर ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो डिलोनेक्स रेजिया यानी कि गुलमोहर है, इसकी फैमिली क्या है। तो एक है डलबर्जिया सिस्सू, डिलोनेक्स रेजिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तीन तो कम से कम आपको याद होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट उजनिया उजनेंसिस संदन होता है, ये भी पूछा गया लेकिन बहुत ही कम है, आपको कम से कम पहले तीन पता होना चाहिए, ये तीन, इन पे स्टार लगा रहा हूँ, बकाया का आप देख लेना, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। ये तीनों के तीनों पेपिलियोनेसी फैमिली के हैं। यहाँ पर जैसे डलबर्जिया सिस्सू के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन जो है वो एमपी का ही है 2011 का, कि डलबर्जिया सिस्सू क्या है, वो लार्ज डेसीडुअस ट्री है। डेसीडुअस ट्री है, मैंने मुद्दा अपना डेसीडुअस ट्री है ये कन्फर्म है, मैंग्रोव तो है नहीं, एवर ग्रीन ट्री है नहीं, टेम्परेट मतलब ठंडे प्रदेश का नहीं है, यूपी में उगता है, तो ये लार्ज डेसीडुअस ट्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज नॉट नाइट्रोजन फिक्स, कौन सा ऐसा पेड़ है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। अब ये क्वेश्चन को ध्यान देखो, अकेसिया ये कौन सी फैमिली की है, मेमोसेसी, मेमोसेसी लेग्यूमिनेसी के अंडर आता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। डेलबर्जिया सिस्सू पेपिलियोनेसी के अंडर आता है, और पेपिलियोनेसी लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो ये भी करेगा ये भी करेगा। ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला ये भी ये मेमोसेसी मेमोसेसी का है, आप फैमिली में से आता है ये भी सुबाबुल, तो ये भी करेगा। जबकि अजा डायरेक्टा इंडिका यानी कि नीम, इसकी फैमिली है मिलिएसी, तो मिलिएसी जब लेग्यूमिनेसी नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, तो इसका अपना आंसर कौन सा है आ गया, नीम, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार घुमा देते हैं। फास्ट ग्रोविंग लेग्यूमिनस ट्री स्पीसीज, कौन सा प्लांट है जो लेग्यूमिनस तो है ही लेकिन बहुत ही फास्ट ग्रोविंग है, अब इसे कैसे समझ में आएगा। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस ये यूफोरबिएसी का है, यूफोरबिएसी का है तो ये लेग्यूम है ही नहीं। टर्मिनेलिया अर्जुना ये कॉम्बरिटेसी फैमिली है, तो इसकी फैमिली अलग है। हार्डविकिया बिनाटा ये है सिजलपिनेसी, और ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला सुबाबुल का है। तो यहाँ पर जब इन्होंने पूछा कौन सा है जो फास्ट ग्रोविंग है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ ग्रो करता है वो ये ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ये वुड पाउडर, मतलब ये है कौन सा प्लांट है जिसका जो वुड पाउडर है उसे हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। एमपी वालों ने इसे 2011 में भी पूछ लिया और 2015 में दो बार क्वेश्चन आ गया इसी पे सेम चीज़ पे। नेक्स्ट है द स्पीसीज विच फ्लावर वन इन लाइफ टाइम, कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावर देता है। तो वो जितनी भी अपनी ग्रासेस वगैरह, जैसे आपका गेहूं है, वीट है, राइस है, चावल है, ये एक ही बार फ्लावर देते हैं, हालांकि इनकी जो लाइफ है वो 6 महीने की होती है, और जैसे ही फ्लावर दिया इन्हें ख़त्म हो गए। बस फ़र्क ये है कि जो चावल या गेहूँ है वो 6 महीने के हैं, जबकि आपका जो बम्बू है वो सपोज आपका 20 साल का है, बस टाइम बढ़ गया, 6 साल 6 मंथ की जगह 20 साल हो गया, लेकिन है तो ग्रास ही,
ग्रास जैसी एक बार फ्लावरिंग हो गई, ग्रास ख़त्म हो जाती, तो इसलिए यहाँ पर बम्बू इसका आंसर है। बम्बू के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको दो टाइप की फ्लावरिंग आएगी, एक ग्रेगेरियस और दूसरी स्पोरैडिक, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक एनर्जी प्लांटेशन का क्वेश्चन है, देख लेना ये आंसर सही है, क्लोज स्पेसिंग है। थोड़ा आगे डिस्कस करते रहेंगे इन चीज़ों को। यहाँ सेमी एरिड रीजन के लिए है, कुछ क्वेश्चन एक साथ यहाँ डाल दिए गए हैं। सेमी एरिड रीजन में बेर वगैरह से एफोरेस्टेशन करते हैं, खत्म काम यहाँ। नेक्स्ट इसी फैमिली में अपने देखेंगे, मिमोसेसी हो गई है, पेपिलियोनेसी हो गई, नेक्स्ट अपनी आएगी सीजलपिनेसी, इंपॉर्टेंट फैमिली है। सीजलपिनेसी की जो अपने मेन प्लांट है उन्हें एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सीधे करके रख दिया। यहाँ केसिया फिस्टुला, जैसा मैंने बोला था आपको जब पहली प्लांट बता रहा था मैं मिमोसेसी, वहाँ पर मैंने केसिया टोरा बोला था कि केसिया फिस्टुला यहाँ नहीं आता है, केसिया फिस्टुला एक्चुअली यहाँ सीजलपिनेसी में आता है। दूसरा बाउहिनिया वहला, ये क्लिम्बर है, कचनार भी बोलते हैं इसे। इसकी पत्तियाँ इस टाइप की होती हैं, मतलब फटी सी होती है ऐसी पत्ती इसकी, यहाँ थोड़ी जुड़ी हुई है पूरी फटी सी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कैमल फुट क्लिम्बर, यानी कि ऐसा लगता है कि ये ऊँट के पैर पैर के जैसा है, और क्लिम्बर होता है एक्चुअली, ये पेड़ ना होकर के दूसरे पेड़ों पर पे चढ़ने वाला क्लिम्बर होता है, तो इसलिए कचनार या कैमल फुट क्लिम्बर, इसे बाउहिनिया वहलाई को, तो एक तो इसे याद रख लो, दूसरा ये केसिया फिस्टुला को याद रखो। हार्डविकिया बिनाटा, अंजन जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, इसकी फैमिली क्या है, सीजलपिनेसी। ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला सुबाबुल, वो भी सीजलपिनेसी है। सराका इंडिका, अशोक के पेड़ है, दो इसके दो अलग अलग स्पीसीज है, एक है सराका इंडिका है, एक और है एन इसका सेम आएगा लेकिन स्पीसीज अलग है, और उसे कुछ और बोलते हैं लेकिन वो अशोक जैसी पेड़ है। तीसरा है टैमरिंडस इंडिका, ये अपनी जो इमली होता है इस चेंज बोल देते हैं वो है। ये सारे प्लांट देख लो, ये सब के सब सीजलपिनेसी का है। इसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर जैसे बाहुनिया पहलाई है, कचनार जिसे ये कैमल फुट ट्री बोलते हैं क्योंकि इसकी एक पत्ती अलग होती है, थोड़ी जुड़ी होती है और फिर ये दूसरी रही, ये आपको ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला सुबबुल है। तीसरा ये आ गया अपना कैसिया फिस्टुला यानी कि अमलतास। तो ये तीन बेसिक प्लांट है जिन्हें आपको याद रखना ही होता है इसमें सीजलपिनेसी में। इस पूरे में अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आई है इस चीज़ में तो आप उसे बिल्कुल पूछ लें, इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले वीडियो में इसे ऐड कर लेंगे। आज की मजदूरी यहीं तक बंद करते हैं, वैसे भी रात के लगभग 1:30 के आसपास हो चुका है, तो अब देखेंगे कल इस पर आगे प्रोसेस करेंगे सर।